अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी, आज मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी काम के लिए, और वो ज़रूरी काम ये है कि आज है जी बहुत इम्पोर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट डे इन डेट सेंस कि आज आज की वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम जाते हैं शारजा अल बताया मेडिकल सेंटर, वहीं जा रहे हैं अभी हम लोग। और मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आपके सामने जो है बच्चे को वो रोता है जब बच्चा इंजेक्शन लगने से, तो वो बहुत ज़्यादा टफ फीलिंग आ रही होती है, मतलब बहुत अजीब लग रहा होता है, और आप इस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ टू कंपल्सरी। तो अब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ये जस्ट सेकेंड टाइम है कि हम इसे वैक्सीनेशन जो है इसकी करवा रहे हैं। अदरवाइज़ जब मैं पाकिस्तान में थी, क्योंकि रिताज की बर्थ ही पाकिस्तान की ही है, तो वहाँ पर इसके दादा यानी कि जो हमारे अबू हैं वो इसे लेके जाया करते थे वैक्सीनेशन के लिए। मैं कभी भी नहीं लेकर गई, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा है ना अजीब लग रहा होता है। अजीब इस तरह लग रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये रोई भी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा इससे, और मतलब जो एक सेंस होती है पेरेंट्स के तौर पर। तो लेकिन क्योंकि अबू ने ही सब कुछ करवाया है इसे हमेशा, इवन इसकी 9th मंथ की वैक्सीनेशन थी, मैं पाकिस्तान में थी और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी हमें लेने के लिए आए हुए थे पाकिस्तान, उसके हम दोनों की मौजूदगी के बावजूद जो है इसकी वैक्सीनेशन इसके दादा ने ही करवाई थी। तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन लोगों का बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई वो इस तरह की हिम्मत कर लेते हैं। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों का साया हम पर सलामत रखे। और जी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं अलबताया मेडिकल सेंटर, हमारे घर से 35 मिनट्स की मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो पता लगा कि जी जो COVID-19 का टेस्ट है वो कंपलसरी है, हमें करवाना ही करवाना है। और एक मिनट को तो हम सोच भी पड़ेगा कि भाई ये करवाना है, और कैन यू इमेजिन इसकी 370 dirhams फीस है एक बंदे के टेस्ट की, तो एकदम से 1000 dirhams पे करना इट्स टू डिफ़िकल्ट कि हम तीनों का करवाना होगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये फ्री है, तो जो लोग भी UAE में रहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है और ये यहाँ पर सॉरी जो COVID-19 का टेस्ट हो रहा है वो फ्री है, आप लोग अगर चाहें तो जाके करवा सकते हैं। तो हमने पहले तो अपॉइंटमेंट ले लिया था तीनों का कि हम रिताज का भी करवाने वाले हैं, लेकिन आफ्टर वैक्सीनेशन इसको थोड़ी बहुत रोती रही है, बड़ी मुश्किल से टैकल किया है इसे पोएम्स लगा के, तो इसलिए फिर हमने इसका अवॉइड करके अपना ही करवा लिया था। तो अब देखें कि कब तक आती है इसकी रिपोर्ट, दुआ कीजिएगा आप लोग की रिपोर्ट नेगेटिव ही आए। वैसे तो मैं तो सारा दिन घर पे होती हूँ, या कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड जाते हैं बाहर और वापस घर आते हैं, थोड़ा बहुत तो वहम होता ही है दिल में, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोग दुआ कीजिएगा। और क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे मॉर्निंग में, यानी कि हम लोग मैक्सिमम 8:30 तक निकल गए थे घर से, तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो आज हम करने वाले हैं हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट, और पर्स मेरा भी फेवरेट हो गया है वो पाकिस्तानी, यहाँ पर रेस्टोरेंट एक शारजा में, वहाँ पर मिलते हैं जी पाए बॉन्ग और पाए जो भी कहते हैं उसे वो। तो ये हमेशा से हमारे घर आया करता था नाश्ता लेके आते रहे हैं हस्बैंड, लेकिन घर आने के बाद इसका बिल्कुल भी जायका नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन आई थिंक 3 to 4 times हम लोग यहाँ पे जाकर खा चुके हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ बैठ कर खाने का जो टेस्ट है इसका वो टोटली डिफरेंट, तो इसलिए ये अब मेरा भी फेवरेट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पर और करेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे जी घर। और ये देखिए, ये है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है जो सारी पाकिस्तानी डिशेज़ होती हैं, लेकिन ये है कि हमें एक ही चीज़ पसंद है, और नाश्ते के तौर पर हस्बैंड ने भी वही खाना था, तो बस फिर हमने जल्दी से वही ऑर्डर किया है। और नाश्ता फिनिश कर लेने के बाद फिर हम वापस जाएंगे घर की तरफ को। और जी, आ चुका है हमारा ऑर्डर, क्योंकि बहुत मज़े से जो है ये बॉन्ग मंगवाई हुई है हस्बैंड ने, और है ये नान लस्सी हमारी ताज़ा का जो वो पी लेती हैं शॉप से, तो फिर से हमने बाद में मंगवा ली थी। नाश्ता फिनिश करने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर, और आई थिंक इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो गए थे, आई थिंक 12:30 तक हम लोग फ्री हो चुके थे, तो घर भी हम जल्दी आ गए थे। लेकिन घर आने के बाद रिताज का जो है ना थोड़ा मूड देखना था, मतलब आपको पता है जब इंजेक्शन लगता है तो बच्चा थोड़ा बहुत तो अनाइंग सा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तंग करता ही करता है,
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं, कोई भी किसी तरह की टेंशन इसके साथ नहीं हुई है। और घर पहुंचाने के बाद चूँकि हमने बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लिया था, तो अब फिर हमने सोचा कि जी कॉफ़ी पी जाए। कॉफ़ी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शौक है। ये हम लोग लेके आए थे कुछ डेज पहले, अलबैतल सीरिया है यहाँ अजमान में शॉप, वहाँ से बाय करते हैं मेरे हस्बैंड कॉफ़ी। ये है मीडियम कॉफ़ी बीन्स टर्किश कॉफ़ी के, और उसके अलावा एक है जो कि अरेबिक कॉफ़ी है। आई थिंक ये हाफ के जी ही हमने बाय किया था, तो हम दोनों ही पीते हैं इसलिए हम दोनों के लिए इतना इनफ है। हाफ के जी भी मंथ तो हमारा स्पेंड हो ही जाता है आराम से। तो बस फिर अभी मैंने सोचा कि जल्दी से क्यों ना ये कॉफ़ी बना ली जाए, क्योंकि हस्बैंड को भी इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि इतना हैवी खाना हम खा के आए हैं तो कुछ तो ऐसा हो जो इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कॉफ़ी। ये है जी अरेबिक कॉफ़ी, जिसको इलायची के साथ ग्राइंड करवाया हुआ है। और ये है टर्किश कॉफ़ी, जो कि टोटली पाउडर्ड फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, और बनाने का भी सारे डिफरेंट तरीका है इसका। इट्स और इस वक्त मैं बना रही हूँ इसके लिए मेरे हस्बैंड ने स्पेशली ये जो है कॉफ़ी मेकर बनाने वाला, मतलब कॉफ़ी बनाने वाला जो पॉट है वो लिया है। इसके ऊपर मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ और इस वक्त बन रही है टर्किश कॉफ़ी। और इसके लिए स्पेशल जो है ना वो कप्स होते हैं, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। आई थिंक मेरे हस्बैंड कहते हैं जो हैंडल वाला होता है वो होता है टर्किश कॉफ़ी के लिए, और जो विदाउट हैंडल वाले होते हैं वो अरेबिक कॉफ़ी के होते हैं। ये देखिए मैंने वन एंड हाफ कप के अंदर जो स्पून अभी आपको दिखा रही हूँ, मैक्सिमम वन एंड हाफ स्पून ही ऐड किया था कॉफ़ी का। और इसे बनाने का तरीका ये है, ये नहीं है जो भी हुआ कि गिर गया, जो बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें एक दफ़ा उबाल आएगा, आपने इसे हटा लेना है चूल्हे पे से, फिर दूसरी दफ़ा उबाल आएगा, आपने इसे फिर उठा लेना है चूल्हे पे से, फिर तीसरी दफ़ा आएगा, चौथी दफ़ा, नेक्स्ट में 4 to 5 times आपने इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है, जिस रिपीटेशन के बाद जो है एक मज़ेदार सी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। जितना ज़्यादा कॉफ़ी का बैटर डालेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनेगी, जितना कम डालेंगे वो उतनी लाइट कॉफ़ी बनेगी। इसका टेस्ट टोटली इसके बनाने पर डिपेंड करता है। तो जी मैं तो करने वाली हूँ हस्बैंड को यहाँ पे कॉफ़ी सर्व। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा COVID-19 का टेस्ट है उसके लिए प्रे कीजिए कि वो नेगेटिव ही आए। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी आने वाली है रेडी, इसको मैं करूँगी जल्दी से सर्व, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।